अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब सैयद तवक्कल हुसैन ने रिपोर्ट दी है कि मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तो ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। देखें, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं मुझे डर पड़ रहा है कि सीन और शी में कोई तोता लीग ना निकल आए, क्योंकि ये लोग सारे लोग रिजाइन नहीं करेंगे और जो रिजाइन करेगा वहां इलेक्शन होगा। मैंने तो वैसे बात की थी, इमरान खान ने कल इस पर एंडोर्स कर दिया लास्ट। इल्ताफ हुसैन से ज्यादा, इल्ताफ हुसैन तो नोन था, नवाज शरीफ ने शराफत और मोहब्बे वतनी की दृढ़ में इन्फ्लुएंस एजेंट, देखें मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इन्फ्लुएंस एजेंट, कल इसको गलत ना कोई तशबीह करे, ही एड्रेस एज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ इंडिया। और ले जाए जी नैब को, किसके ऊपर जी? देखें, जब इंसान किसी मेरी अब सवाल मैंने सुन लिया आप जहांगीर तरीन का, मैं आपसे अर्ज करूं, इंसान से केस मरते दम तक नहीं खत्म होता जब तक वो अदालत में ट्रायल ना हो। सो जहां इतने लोग भागे हुए हैं या मफरूर हैं उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन केस से बच नहीं सकता। सलाहुद्दीन साहब, मेरी पार्टी तो रिजाइन करना नहीं चाहती, शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, लेकिन नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई ये लंदन से प्लान हुई। आपका हो गया एक सवाल यार, आपका भी हो गया, लास्ट थ्री क्वेश्चन ओनली। तो मैं तो यहां से कहता हूं, मैंने असदुर रहमान को खुद पैगाम दिया, उनके बेटे को 10 मिनट ये पैगाम दिया कि फजल रहमान को कहो कि इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा करना उसके फराइज में है, ये ना हो कि 8 अक्टूबर को कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ तो रोन दिए जाएंगे ये लोग, फिर ये सारी उम्र पछताएंगे। ये मैं मुझे बात करने, और एपीसी जहां आपने जो कहा, जिस जगह एपीसी खिताब करेगी, खिताब तो कैमरों ने दिखाना, अगले दिन या अगले हफ्ते मैं खिताब करूंगा। ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, ये इलेक्शन इलेक्शन बलादरियों की बेस पे, ये मेलसी है, ये खिची है, ये टवाणा है, ये मेमडोट है, ये बट है, ये गुजर है, ये राई है, ये फना है, ये सारी कौम को तकसीम किए हुए लोग है। शेख रशीद पाकिस्तानी है और सारे पाकिस्तान को कहता है कि इनको लितर मारो, जो पाकिस्तान के सालमियत और पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ बात करते हैं। लास्ट एक बयान था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि चीनी और आटा जो है वो गायब हो गए थे इसलिए महंगे कर दे, दवाइयों के बारे में भी यही बात की। देखें, चीनी चीनी और चीनी, अच्छा मैं आपका देता हूं लास्ट क्वेश्चन, चीनी और आटा ये महंगे है, मैं हर कैबिनेट में बात करता हूं 11 चीजें महंगी हैं। मैं कौम के सामने बात करता हूं कि इमरान खान के माथे पे बल नहीं आते, मैंने इसकी एक्सपोर्ट की भी मुखालफत की थी कि चीनी और आटा एक्सपोर्ट ना किया जाए। मैं टीवी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं, वैसे एक सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, आज लगे हुए हैं, ये आटा मैं सब्सिडी कराऊंगा, ये चीनी मैं सब्सिडी कराऊंगा। लास्ट मक्सद, मेरे दस मिनट हो गए जी। मैं हर हफ्ते आकर आपसे बात करता हूं, देखें मैं मंगल वाले दिन, मैं मेरे भाई मंगल वाले दिन कैबिनेट होती है, बुध को ईसीसी है, जुमेरात को अल्लाह आपका भला करे पावर में मैं हूं, और जुमा हफ्ता आपके पास होता हूं, इतवार को मैं कराची जाता हूं, 7 के दिन 7 दिन मैं काम करता हूं और बीमारी से उठा हूं कोरोना से, फिर भी करता हूं। 10 मिनट पूरे हो गए।